सीटी बिल पास होने के बाद आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। आम आदमी पार्टी इस बिल का विरोध करते हुए बता रही है कि इस बिल के जरिए मोदी सरकार ने जानबूझकर दिल्ली के कंट्रोल को एलजी के हाथ सौंप दिया है, जो सरासर गलत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली की जनता ने हमें पूरे बहुमत के साथ दिल्ली चुनाव जितवाया है और दिल्ली की जनता हमारे ऊपर भरोसा कर रही है, लेकिन ये बात मोदी सरकार को हजम नहीं हो रही। इसलिए मोदी सरकार ने अपने केंद्र में होने का पूरा फायदा उठाते हुए दिल्ली को जबरदस्ती अपने पास रखने का कदम उठाया है। वहीं आप विधायक संजय सिंह ने भी मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी सरकार केजरीवाल सरकार से डर गई है, इसीलिए एनसीटी बिल के जरिए वो जबरदस्ती दिल्ली में कब्जा जमाना चाहती है। दरअसल आप विधायकों का कहना है कि ये सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है और इसे इतिहास का काला दिवस ही कहा जाएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरह से मोदी सरकार ने केंद्र में रहते हुए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है, ये बात जनता आसानी से समझ रही है। जनता ये समझ रही है कि किस तरह से मोदी सरकार ब्रिटिश सरकार बन गई है और दिल्ली के लोगों का भला नहीं चाह रही है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।